एकमेक ग्रुप की ओर से सभी वागड़वासियों को नवरात्रि पर्व एवं दशहरे की शुभकामनाओं के साथ घर का सपना आपका पूरा करेंगे हम। एकमेक ग्रुप महावीनगर आपके लिए लाए हैं वास्तु के अनुरूप बेहतरीन डिजाइन और वेल फर्निश्ड एक ऐसा घर जो आपको एहसास दिलाएगा सपनों के घर का। बांसवाड़ा की पहली प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 1 BHK का मकान 10.99 लाख, 2 BHK का मकान 17.89 लाख में, कम ब्याज दर पर सपनों का घर, आकर्षक फाइनेंस सुविधा, गुणवत्ता युक्त कंस्ट्रक्शन, आकर्षक इंटीरियर, पार्किंग एरिया, चौड़ी सड़कें, कॉलोनी पार्क एरिया, शहर के नजदीक नगर परिषद सीमा क्षेत्र में मनमोहक प्राकृतिक वातावरण के बीच अपना स्वतंत्र घर। तो देर किस बात की, आज ही आइए और अपने घर की चाबी ले जाइए। श्री महावीनगर, बालाजी नगर, जयपुर रोड, बांसवाड़ा। संपर्क करें 7300179522, 9828033793, 8112207950, 8766001001। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। जहां डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, वहीं यदि कोई डॉक्टर को ही बीमार कर देता है तो आपको भी आश्चर्य होगा। ऐसा ही कुछ मिस्टर नटवरलाल 2 ठगों ने कर दिखाया। मिस्टर नटवरलाल 2 ने शहर के एक नॉमी डॉक्टर को अपने जाल में फंसा कर उसे ही मरीज बना दिया। वहीं मिस्टर नटवरलाल डॉक्टर से 1 लाख लेकर 3 लाख लौटाए, फिर 53 लाख ठगे। दो सगे भाइयों ने डीमैट अकाउंट खुलवाकर एक नॉमी डॉक्टर को फंसाया। शहर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलने के नाम पर ठगी करने के आरोप में दो सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर के साथ शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलने के नाम पर इन आरोपियों ने 4 महीने पहले MBS अस्पताल के डॉक्टर से 53 लाख रुपए की ठगी की थी। दोनों आरोपी कल्पेश ठाकुर और दिलीप उर्फ दीपक ठाकुर सगे भाई हैं। वे गुजरात के बधाई रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई कार भी बरामद की। DSP अंकित जैन ने बताया कि डॉक्टर ने अगस्त महीने में दादाबाड़ी थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि मई और जून के महीने में आरोपियों ने मोबाइल पर संपर्क कर शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलने का झांसा देकर जाल में फंसाया। पहले 1 लाख रुपए डलवाए, जिसे 3 गुना करके 3 लाख रुपए वापस लौटा दिए। इससे डॉक्टर का भरोसा बढ़ गया। उसके बाद डॉक्टर ने बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए बोला। डॉक्टर ने 53,41,430 रुपए आरोपियों के खातों में डाल दिए। पैसा मिलते ही आरोपी फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस की स्पेशल टीम साइबर सेल की मदद ली गई। मोबाइल लोकेशन और टोल कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाला गया। इसके बाद साइबर सेल और DSP की टीम में आरोपियों को रामदेवरा से यात्रा कर वापस लौटते समय सिरोही रोड पर गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार के बाद पुलिस ने गहन जांच और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर पूरे मामले का खुलासा किया और इसी बहाने को बहला फुसलाकर 53 लाख रुपए का डीमैट अकाउंट के नाम पर, शेयर मार्केट के नाम पर 53 लाख रुपए कुल इन्वेस्ट कराया उनसे। और उसके बाद उन्होंने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया। उस आधार पर वो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया 6 अगस्त को। 6 अगस्त को जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, SHO दादाबाड़ी स्वयं इसको बड़ी गंभीरता से लिया और SP साहब द्वारा एक टीम बनाई गई स्पेशल, जो साइबर टीम उसमें इन्वॉल्व करी गई और उस टीम को जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन आ रही थी उस हिसाब से भेजा गया। वहाँ से सब जगह से BTs उठाए गए, सभी टोल चेक किए गए उस संबंध में। छः दिन टीम वहीं रही, उसके बाद वापस टीम यहाँ आई। जो सूचना इकट्ठी हुई उसके आधार पर हमारे DST इंचार्ज हैं नीरज जी गुप्ता और SHO दादाबाड़ी मोहन जी, इन दोनों की सबपुर और थाने की टीम और DST की टीम तथा साथ में साइबर टीम सभी इकट्ठे होकर गए और उन्होंने उस लोकेशन के आधार पर 2 मुलजिम, उनकी जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे वो, उनको गिरफ्तार किया और जो जितने पैसे थे वो सारे रिकवर किए हुए। अभी तक कितना उनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, लेकिन उनका जो अकाउंट चेक किया गया उसमें 1,83,00,000 का अभी तक लेन देन हुआ है और उन्होंने 12 राज्यों में राजस्थान के अलावा, मतलब राजस्थान मिलाकर 13 राज्यों में अभी तक 12,000 कॉल एक साल में उन्होंने करे हैं। तो हो सकता है कई प्रकार के फ्रॉड करने सारे हों या फिर कर रहे हों, तो उसकी जानकारी इनसे लीजिए। बैकग्राउंड क्या है इनका, क्या पढ़ा, कहाँ से कर रहे थे ये सभी लोग? गुजरात के हैं, गुजरात राज्य में एक गांव है वडनगर, वहाँ से हैं
और इस ये इसी प्रकार का काम करना, इन्होंने जो बिहार झारखंड में ऑनलाइन फ्रॉड होने लगे उसको देखकर इन्होंने इस चीज़ को सीखा। पढ़ाई करते थे या क्या करते थे? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं है, ये पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और भी लोग जुड़े हुए होंगे? हाँ, इसमें पूरी संभावना है, आगे इनसे जो तफ्तीश है वो की जाएगी। रिकवरी हुई जो डॉक्टर ये सारी जो रिकवरी हुई ऑनलाइन जो फ्रॉड हुआ था वो ऑनलाइन वापस इसके अकाउंटों में डॉक्टर साहब के अकाउंट में आ गया। पुलिस ने पकड़ने के बाद आप लोगों ने डलवाए या इन्होंने? नहीं, नहीं, हमारे द्वारा नहीं डलवाए गए। तो किस बेस पे इन्होंने डाला, क्या कारण रहा? क्योंकि वो पता चल गया था हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया या फिर पुलिस हमें तलाश कर ली? नहीं, पुलिस ने वहाँ पे 3 बार दबिश दी, पता तो उनको चला था, लेकिन इस बारे में आगे भी देखा जाएगा। डॉक्टर साहब से स्टेटमेंट ले लिए गए, जो बैंक स्टेटमेंट में पूरे उनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। सर पहले पकड़े गए या पैसे पहले? नहीं, पहले ये लोग पकड़ना है।